हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट के बारे में। हम लोग जो मैग्नेट जो डिज़ाइन करते हैं या फिर जो मैग्नेट जो बनाते हैं उसको हम लोग कैसा बनाते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट भी परमानेंट मैग्नेट हो गया। तो ये मैग्नेट को हम लोग बनाते कैसे है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो कोई भी अगर हम लोग मटेरियल ले, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है, जिसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो जीरो होता है। अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर कॉपर वाइंडिंग को वाउंड कर दें और वो कॉपर वाइंडिंग में अगर हम लोग करंट का फ्लो दें, तो करंट के फ्लो के वजह से क्या होगा, बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बनेगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स के वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये बहुत हद तक के एक मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करेगा। तो जब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब ये अपना मैक्सिमम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो उस केस में जितने भी जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे और ये जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होगा वो होगा मैक्सिमम पॉसिबल अलाइनमेंट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट को डिज़ाइन करते हैं और ये जो अलाइनमेंट होगा वो हमेशा के लिए रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये वाला जो पोल होगा वो हमेशा के लिए साउथ पोल के तौर पर बिहेव करेगा और ये वाला जो पोल होगा वो हमेशा के लिए नॉर्थ पोल के तौर पर बिहेव करेगा। हमेशा के लिए रहेगा इसका मतलब क्या, जब हम लोग कोई भी मटेरियल को मैग्नेट बना रहे होते हैं तो जो मटेरियल होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है या फिर हम लोग बोल सकते हो मॉल्टेन मेटल के फॉर्म में होता है, जिसके और वो मॉल्टेन मेटल में से पास होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो मटेरियल के वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम लोग वो मॉल्टेन मेटल को कोल्ड करते या फिर जब ठंडा करते तो वो सॉलिड बन जाता है और जब वो सॉलिड बन जाता है तो जो मैग्नेटिक डोमेन होते वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हुए होते और जो मटेरियल होता है वो मैग्नेट के तौर पर बिहेव करने लगता है। और जब तक कि हम लोग वो मटेरियल का टेम्परेचर फिर से उतना हाई नहीं करेंगे तब तक के जो मैग्नेटिक डोमेन होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट की वो ज़्यादा होती है अगर उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट से कंपेयर करें जो कि हमने अर्थ से मिलता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है अर्थ की, वो कम होती है अगर उसको हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अगर उससे कंपेयर करें तो। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है अगर उसको हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें तो। और यही रीज़न के वजह से ये जो आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है अगर उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट से कंपेयर करें तो। मतलब जो अर्थ में से जो नेचुरल मैग्नेट निकलते हैं अगर उससे कंपेयर करें तो ये जो आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर देखें, हैंस सम ऑफ द डोमेन विल बी अंडर डिसओरिएंटेशन विच विल कैंसिल द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट एंड हैंस पोल स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज लेस। और जो अर्थ मैग्नेट की जो अर्थ से जो मैग्नेट निकलता है उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो वीक होने का दो रीज़न होता है। सबसे पहला, जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जिसके वजह से जो मैग्नेटिक डोमेन होते अर्थ मैग्नेट के या फिर जो अर्थ में जो मैग्नेट होता है उसके जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन में अलाइन नहीं हुए होते, जिसके वजह से जो अर्थ में से जो मैग्नेट निकलता है उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर या फिर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर जो पोल स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, उसका उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता अगर उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट से। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेट की इंडक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर हम लोग एक मैग्नेट ले और वो मैग्नेट को अगर हम लोग कॉइन में रख दे तो जो कॉइन होंगे वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और मैग्नेट के साथ भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट या फिर इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम लोग मैग्नेट को कोई भी हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कांटेक्ट में रखते हैं या फिर अगर हम लोग कॉइन में रखते हैं तो बेसिकली होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो जो मटेरियल के जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसके वजह से जो मटेरियल होता है या फिर वो जो कॉइन होगा उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम लोग देखें जब हम लोग ये मैग्नेट नहीं रखे थे तो उससे पहला ये जो कॉइन था उसके जो मैग्नेटिक डोमेन थे वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन थे, जिसके वजह से नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो था, जिसके वजह से कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं था हम लोग बोल सकते। जैसे हम लोग ये जो कॉइन है अगर
इसको हम लोग मैग्नेट के कांटेक्ट में लेके आएंगे, फिर मैग्नेट को अगर हम लोग कॉइन में रखेंगे तो बेसिकली होगा क्या, मैग्नेट के वजह से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होगा क्या, ये जो मैग्नेटिक डोमेन हो गए वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसके वजह से जो कॉइन होगा ये कॉइन में एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली ये कॉइन अगर कोई दूसरे कॉइन के कॉन्टैक्ट में आता है तो जो दूसरा कॉइन होगा वो दूसरे कॉइन में मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दी फर्स्ट कॉइन। सिमिलरली अगर कोई दूसरा कॉइन तीसरे कॉइन के कॉन्टैक्ट में आता है तो जो तीसरा कॉइन होगा उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएंगे, उसके जो उसका जो मैग्नेटिक डोमेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिज्म इंड्यूस होने के वजह से, और वो जो तीसरा वाला जो कॉइन होगा दूसरे वाले कॉइन के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सबसे पहला अभी हमने डिस्कस किया मैग्नेट की इंडक्टिव प्रॉपर्टी, और जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पैर में होते हैं क्योंकि जो यूनिपोल का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, जो लाइक पोल है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसमें मैग्नेट कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा सकता है वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, और मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसमें मैग्नेट कितना रिपल्शन फोर्स ऑफर कर सकता है मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिपल्शन प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मैग्नेट की हमें डायरेक्शन इंडिकेट करती है, जो कि हमने डिस्कस किया है, और लाइक पोल और अनलाइक पोल के बारे में भी हमें मालूम है, और जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पैर में होते हैं, और इंडक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया।